हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे मूंगफली के लड्डू। फ्रेंड्स, मूंगफली में सेहत का खजाना छिपा होता है। इसमें पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। अगर आप किसी भी कारण से दूध नहीं पी पाते हैं तो यकीन मानिए मूंगफली का सेवन आपके लिए एक बेहतर विकल्प है। सर्दी के मौसम में मूंगफली खाने का अपना ही मजा है। इसे सस्ता बादाम भी कहा जाता है। मूंगफली में लगभग वो सारे तत्व पाए जाते हैं जो बादाम में होते हैं। ऐसे में सर्दियों में आपका कुछ मीठा खाने का हो मन, समय हो कम, तो सिर्फ दो चीजों से दो मिनट में बने ये टेस्टी मूंगफली लड्डू। इन्हें बनाना बहुत ही आसान है और ये बहुत टेस्टी बनते हैं। रेसिपी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। फ्रेंड्स, सब्सक्राइब कीजिए ऑल इंडियन रसोई को और बेल का बटन दबाइए लेटेस्ट फूड रेसिपी के वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, मूंगफली के लड्डू बनाने के लिए हम एक फ्राई पैन में एक कप मूंगफली के दाने डालकर रोस्ट करेंगे। छिलका पूरा डार्क होने तक हम मूंगफली को भूनेंगे। गैस की आंच मीडियम रखनी है और करछी से लगातार चलाते रहना है। मूंगफली को भूनते हुए लगभग 7-8 मिनट हो गए हैं। मूंगफली का छिलका भी काफी डार्क हो गया है। यह अच्छी तरह भून गई है। इसे एक बाउल में निकाल लेते हैं। मूंगफली को हम 5-7 मिनट के लिए ठंडा होने देते हैं। मूंगफली के दाने ठंडे हो गए हैं। अब हम इनका छिलका हटा लेते हैं। हाथ से रगड़कर सारी मूंगफली का छिलका अच्छी तरह हटा लेंगे। मूंगफली का छिलका हटा लिया है। अब हम इसे ग्राइंडर में डाल देते हैं। मूंगफली को हम हल्का सा ग्राइंड कर लेते हैं। मूंगफली को हल्का सा दरदरा ग्राइंड कर लिया है। अब हम इसमें 1/3 कप गुड़ डाल देते हैं। गुड़ बारीक करके डालेंगे। इन्हें फिर से अच्छी तरह ग्राइंड कर लेते हैं। मूंगफली और गुड़ को ग्राइंड कर लिया है। इन्हें चेक कर लेते हैं। हाथ से दबाने पर मिश्रण बाइंड हो रहा है तो अब हम इसे और ग्राइंड नहीं करेंगे। अगर मिश्रण बाइंड नहीं होता है तो थोड़ा सा ग्राइंड और कर ले। लेकिन ज्यादा ग्राइंड करने से मूंगफली का तेल अलग होने लगता है, तो इसका भी ध्यान रखें। अब हम इसके लड्डू बना लेते हैं। हाथ में थोड़ा सा मिश्रण लेकर दबाते हुए लड्डू बना लेते हैं। लड्डू तैयार है, इसे प्लेट में रख देते हैं। इसी तरह सारे लड्डू बनाकर तैयार कर लेते हैं। बहुत ही टेस्टी लड्डू बने हैं। आप भी यह हेल्दी और टेस्टी रेसिपी जरूर ट्राई करें। तो एक बार फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। तब तक नमस्कार।